बच्चे हमारे पास मौजूद है, इन छोटे बच्चों के अपनी माँ बाप, इनके माँ बाप भी देखे हैं हमने आपको, इनकी माएँ भी दिखाई हैं, जो बकरियाँ हैं और एक जो ब्रीडर इन्होंने रखा होगा अच्छी क्वालिटी का, वो भी हमने आपको बताया। तो ये बच्चा फास्ट खेला है, शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाह साहब ये बताएं कि कितनी देर का बच्चा हो गया है? ये हो गया डेढ़ महीने का, डेढ़ माह का हो गया ये। तो इसकी जो माँ के नीचे दूध कितना था? तीन साढ़े तीन किलो दूध था इसकी माँ के नीचे। तो अगर कोई बंदा इसे ब्रीडर भी लेना चाहता है, बकरियों के लिए लेना चाहता है, तो अच्छा कोई बंदा आपको कॉल करता है तो ये कितनी प्राइस में आप दे देंगे? ठीक हो गया, ठीक है। चलें, अगर कोई बंदा आता है कॉल वगैरह करता है, आपको कॉल आती है कि बच्चा पसंद आता है, तो वो आप इससे कम भी कर देंगे, कॉल वहाँ पर तोड़ जाएगी वो? ठीक हो गया जी। तो दोस्तों हमारे पास अगला जो बच्चा आ रहा है वो प्योर सियालकोटी ब्राउन कलर में, वो भी आपको बताते हैं। शाह साहब इसके बारे में बताएं, ये कितनी एज है इसकी बकरे की? बच्चे का ये भी बकरा है? हाँ जी। ठीक हो गया। इसकी माँ के नीचे दूध कितना था? मेरी माँ से ले गया शादी को 2.5 महीने। ठीक है। तो ये जितने भी बच्चे हैं तो ये अगली ईद के लिए कुर्बानी भी लग सकते हैं? ठीक हो गया। ठीक है। तो अगर इसकी अच्छी परवरिश की जाए तो ये अच्छे पाल जाएंगे। तो इनको गाय का दूध भी पिला सकते हैं, भैंस को भी पिला सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है, ठीक है, उसको कितना उसमें पानी डाल के कितना गर्म करके उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके इसको फीडर से आप पिला सकते हैं निप्पल वगैरह से। तो इसको आप लोग एक माह डेढ़ माह का ये हो गया, शाह साहब ने बताया, आप एक माह इनको दूध पिला देंगे और तो फिर ये कोई चारा वनडे पे ये लग जाएंगे, ठीक है। अभी भी ये चारा वगैरह खाते हैं, ऐसी बात है ना? हाँ जी। तो शाह साहब इसकी हमें प्राइस बता दें, कितनी इसकी प्राइस है? 15,000। ठीक है जी, 15,000। अगर कोई भाई चाहे और लेना चाहता है तो वो गुंजाइश हो जाएगी? ठीक हो गया जी। तो दोस्तों हमारे पास मक्खी चीनी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा हमारे पास इस टाइम मौजूद है, ठीक है। ये हम आपको दिखाते हैं, इसकी क्वालिटी भी दिखाते हैं, इसकी ब्यूटी फेस चेक कर लें। ये माशाल्लाह आप देखें, ठीक है जी, झालर वगैरह भी अच्छी है इसकी। तो फेस ब्यूटी माशाल्लाह बेहतरीन है, जिसको बल्ली वगैरह बोलते हैं, ये सिस्टम है इसका, ठीक है। पूरी बल्ली तो नहीं है पर ठीक है, फिर भी थोड़ी सी सफ़ेदी वाला इसका चेहरा है, ठीक है। तो ये हम शाह साहब बताएं कि कितनी एज होगी इसकी? ठीक है जी। इस मेल की एज भी ये बकरा है जी। अगर किसी इसको अगर कोई बंदा इसको ब्रीडर के लिए इस्तेमाल करना चाहता तो ब्रीडर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर अगली ईद के लिए कुर्बानी के लिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो ब्रीडर की माशाल्लाह क्वालिटी इस बकरे की अच्छी है, ब्रीडर क्वालिटी है, आप इसे अपनी बकरियों के लिए रख सकते हैं, ठीक है जी। तो शाह साहब हमें इसको बता देंगे इसकी प्राइस क्या है? 20,000। इसका 20,000 है। अगर कोई व्यूवर्स हमारे देखते हैं, शौक रखते हैं, तो वो कॉल करते हैं तो शाह साहब से आप डील कर सकते हैं, प्राइस कम भी करवा सकते हैं। तो आप और बच्चे हैं माशाल्लाह आपको दिखाते हैं, एक और हमारे पास सियालकोटी का ब्राउन, माशाल्लाह चीज़ होती है सस्ती महंगी, सौदा होता आपके मुकद्दर का, चीज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त है, एक्टिव है, ठीक है, बीमार कोई नहीं है। ये मौसम भी अच्छा है, अगर आप बच्चा लेना चाहते हैं तो ये मौसम बहुत अच्छा है। अगर आप बकरा वगैरह लेते हैं वो कुर्बानी के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लग जाएंगे, ठीक है, अगले साल के लिए, ठीक है। तो आप इसे आइए, हमारे पास फीमेल है, ठीक है। जिस तरह ही मैंने आपको बताया कि वो बकरे जो इस तरह के इतनी एज के बकरे हैं वो कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इनसे जोड़ा लेते हैं तो वही बकरे इसे क्रॉस भी कर देगा, वो आप कुर्बानी के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ये बकरी आगे से क्रॉस भी हो जाएगी, फिर गब्बर हो जाएगी, आपको बच्चे वगैरह भी दे देगी। तो शाह साहब इस फीमेल का हमें बताएं, माशाल्लाह एक्टिव है, तो इसका बताएं इसकी कितनी प्राइस है? 18,000 जी। इसका 18,000 शाह साहब बता रहे हैं। तो अगर कोई विवाद है, शौक रखते हैं तो कॉल वगैरह करेंगे तो इनका प्राइस और भी कम हो जाए। अमृतसरी क्रॉस के बच्चे भी हैं माशाल्लाह। तो शाह साहब इसके बारे में बताएं, ये कितनी एज है इसकी? ये भाई, ठीक है, 2.5-3 माह का हो गया है। तो इसकी प्राइस बता रहे हैं, प्राइस कितनी है? 15,000। ठीक है जी, इसके 15,000 शाह साहब बता रहे हैं। तो और बच्चे भी हमारे पास मौजूद हैं, तो देखें जनाब, ये माशाल्लाह ये भी नागरी और सियालकोट जो बीतला है उसका करार है, इसमें मक्की चीनी की भी जो है फायदा नज़र आ रहे हैं आपको। माशाल्लाह इसकी झालर वगैरह, फेस ब्यूटी ज़बरदस्त है, नकोरा ज़बरदस्त है, सींग इसके नारे सींग हैं, कानों की लेंथ अच्छी है माशाल्लाह। तो खिलाफ भी ज़्यादा है जो इसकी तांबू में, सीना भी अच्छा माशाल्लाह झालर वाइज में है। तो शाह साहब इसको बताएं हमें, ये कितनी एज हो गई है इसकी? तकरीबन 3-3.5 महीने, 3-3.5 माह हो गए हैं। शाह साहब हमें ये बताएं कि ये इसकी कितनी प्राइस है? 25,000 है। अगर कोई व्यूवर शो करता है, लेना चाहता है, इसकी प्राइस कम भी हो जाएगी, आप 4-5 से डील कर लें, ठीक है। ये हमारे पास एक
मक्खी चीना और अमृतसरी का क्रास है। इसके कान बादशाह देखें, डिज़ाइन चेक करें आप, पूरा ये बकरा ब्लैक है और जो इसके कान है वो मक्खी चीनी है, केतरे नेत्र हैं, ठीक है जी। तो ये भी 3 माह का तकरीबन हो गया है। हाँ जी। तो अगर इसको बंदा कोई अगर अगली ईद के लिए कुर्बानी के लिए ये भी लेना चाहते तो वो भी हो जाएगा। अगर आपके पास दूध वगैरह है, चारा वगैरह भी माशाल्लाह खाते हैं, अगर इसको आप दूध पिलाते हैं तो वो भी ज़बरदस्त है, क्वालिटी अच्छी बन जाएगी, आप ब्रीडिंग के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शाह साहब इसकी बताएं हमें प्राइस क्या है? 25,000। ठीक है जी, इसका भी 25,000 है। शाह साहब बता रहे हैं अगर कोई व्यूवर्स लेना चाहते तो ये कम भी हो जाएंगे। तो माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही छोटे बच्चे और प्यारे बच्चे हैं, एक्टिव हैं, फुल एक्टिव हैं, तो इनके बारे भी हम शाह साहब से बात करेंगे। सियालकोटी रंग के बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे हमने उनके पहले भी वीडियोज़ काफ़ी डाली हैं। तकरीबन 20-25 बकरे थे, वो टोटल सेल हो गए थे। उसके बाद काफ़ी व्यूज़ हमसे जिला शिकवा कर रहे थे, भाई हमें नहीं बताया आपने या हम लेट हो गए। तो अगर आप इस तरह के बच्चे लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं आप। तो शाह साहब हमें बताएँ, शाह साहब ये क्या है, बकरी ये बकरा जी? माशाल्लाह देखें, तीनों फीमेल हैं, ये इनकी माँ है इनके पीछे, ठीक है। तो तीनों ही एक माह के ही हैं बच्चे हैं, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। शाह साहब हमें बताएं कितनी एज होगी तकरीबन इनकी? कोई 15-15 दस से 15 दिन की एज होगी है, 17 दिन की तकरीबन इनकी एज होगी है। तो माशाल्लाह एक्टिव है, एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं इनकी, ठीक है जी। तो शाह साहब हमें बताएँ कि ये कितने के हो जाएंगे तीनों, अगर कोई बंदा लेना चाहता है? 30,000 के, 30,000 के हो जाएंगे। अगर कोई बंदा एक लेना चाहता है तो फिर 10,000 का हो जाएगा। तैयब भाई, इनका कोई लेके इनको क्या करेगा, इनको पाने का कैसे? जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप गाय का दूध ले लें, बकरी का दूध ले लें, किसी भाई के बकरी के बच्चे मर गए हैं तो वो बकरी आप उस बकरी के नीचे इसको पाल सकता है। किसी बकरी के नीचे बच्चा एक है, दूध उसके नीचे बहुत ज़्यादा, तो फिर वो एक बच्चा लेके अपनी बकरी के नीचे लगा के दो बच्चे बेहतरीन ज़बरदस्त पाल सकता है। अच्छा, तो ये भाई इस उम्र के बच्चे को डेली का कितना दूध चाहिए? जी, इनको तकरीबन एक पाव आप दोनों के सुबह पिला दें, एक पाव शाम को पिला दें, एक पाव आप दोपहर को पिला दें, 3 टाइम एक एक पाव आप पिलाएंगे 10 दिन, जब इनकी 15 दिन हो जाएगी फिर यही था हिसाब आपने कर देना, फिर आधा आधा किलो पिलाना, आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को, आधा किलो दोपहर को, ठीक है। फिर जब ये 2 माह के हो जाएंगे, 2-2.5 माह के हो जाएंगे, फिर आपने यही सेम चीज कर देनी। अगर आप ब्रीडर, आपके पास बच्चा अच्छा है, ब्रीडर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ्यूचर में उसको अपने फार्म के लिए ब्रीडर बनाना चाहते हैं, तो उसका दूध आप कभी भी ना बंद करें, चाहे वो 8 दांत हो जाए, उसका दूध नहीं बंद करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, वो बकरियां बड़ा होकर वो बकरियां क्रॉस करेगा, ठीक है जी। ये चीज़ होती है। अच्छा, कितने माह तक ये भाई दूध पिलाना पड़ेगा? 3 माह तक दूध पिलाएंगे, साथ साथ ही चारा खाना, आज से 15-20 दिन बाद चारा भी खाना शुरू कर देंगे दूध के साथ साथ, ठीक है। ये भाई जो इनको खरीदेगा उनको ये महंगा नहीं पड़ेगा काम? ठीक है, देखें शौक की बात है, कुछ लोग देखते हैं कि भाई हमें बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, हम ये लेना चाहते हैं। मैंने उनको बताया, काफ़ी लोग हम सर्दियों में भी कहते थे कि भाई बच्चे महंगे, सर्दियों में मेरे भाई आपके लिए 2 हाथ हैं, आपके आगे बच्चे ना लें, आप सर्दियों में बच्चे ना लें, आप गर्मियों में, क्योंकि नए लोग हैं आप, गर्मियों में बच्चे लेने हैं तो आपने गर्मी में लें। कुछ लोग होते हैं पाकिस्तान में इस तरह के, उनको शौक होता है बच्चे लेके पाल के, उनको बड़ा करके, चाहे उनको महंगा पार्टी काम हो, इस चीज़ को नहीं देखते, बस वो शौक पूरा करते हैं, ठीक है। तो उनके घर ले, वो अपने बच्चे घर ले जाते हैं, अपने बच्चों की तरह उनको पालते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं, ठीक है, वो अगर काम इस तरह करते हैं अपना शौक भी पूरा हो जाता है, तो 20,000-25,000-30,000 के बजाय वो 10,000 की बकरी बच्चा ले लेते हैं, उससे उनका एक्सपीरियंस भी हो जाता है, शौक भी पूरा हो जाता है। अच्छा, तो ये भाई इस उम्र में अगर बकरे से बच्चे सेल कर देते हो, बकरी को मसला तो नहीं होता? कोई मसला नहीं होता सर, बकरी के नीचे इनके पास बच्चे और भी हैं, तो वो बच्चे बकरी का दूध निकाल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ज़्यादातर तो इसी तरह ही हो रहा है पाकिस्तान में, 80% जो फार्मर हैं वो बच्चे 20 से 25 दिन या 1 माह के दरमियान बच्चे टोटली छेल करके दूध का काम करते हैं, उसको दूध बेचते हैं, ठीक है जी। फिर ही आपका उनके बकरियाँ पाल रही होती हैं, उनको दूध की इनकम रोज़ बार रोज़ आ रही है। अगर उनके पास 100 बकरी है तो 30 बकरियाँ हर टाइम दूध देती हैं, 30 बकरियाँ 3 माह तक दूध देती हैं, 30 बकरियाँ अगले 3 माह तक दूध देती हैं, 30 जो बकरियाँ होती हैं उससे 9 माह तक जो है कि आप कह लें 6 से 9 माह तक दूध देती हैं। पिछली जो 3 माह वाली वो फिर बच्चे डिलीवर करती हैं, वो बच्चे बेचते हैं, ये रिसाइकल वो करते रहते हैं, ये उनका सिस्टम चलता रहता है। 30 बकरियों के बच्चे दे, 30 बकरियों का दूध निकल रहा है, 30 बकरियां गब्बन है, 30 बकरियों नहीं क्रास हुई हैं,
ये उन्होंने एक साइकिल बनाया हुआ अपना, तो वो दूध इस टाइम भाई हमारे व्यूवर जो है ना, कुछ लोग इस बात को बहुत बुरा समझते हैं, जो आप छोटी सी उम्र में बच्चे सेल कर देते हैं फार्मर। जी सर, ये देखें कि शरीयत भी इजाज़त नहीं देती, अगर कोई बंदा पाल सकता तो कोई उसका मसला नहीं है। अगर हम यही इसीलिए मैं आज तक मैंने अपने फार्म पर कोई बच्चा नहीं देखा, ना ही आपने किसी वीडियो में देखा भी होगा, ठीक है। एक दो या बच्चे दो बच्चे मैंने सेल किए थे, उस टाइम मेरे पास दूध बहुत कम था, तो किसी वो बच्चे भी अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी, वो भाई ले गया था, तो उसने अब पाल भी लिया, बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, ठीक है। ये दुख नहीं होता, अगर कोई बंदा लेके जाता है बच्चे और मर जाते हैं उसके पास, फिर हमने पैसे, हर चीज़ पैसा नहीं होती, ठीक है। हमें भी दुख होता है कि भाई बच्चे उससे मर गए हैं, अगर हम उसे अपने पास रखते तो हम बचा सकते थे, या इस तरह के बंदे को दे सकते थे जिस तरह कि उसके पास बकरी अच्छी है, वो दूध पिला सकता है। लेके जाना ही वो जो ना कि बच्चा खरीद लेना आसान है, उसको पालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर आप पाल सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, फिर आप ले लें। माशाल्लाह बच्चे इनके अच्छे हैं। आप रेट का मेरा और इस चैनल का इस डील के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इससे भी आपको शो करवाया है, ठीक है। शायद भाई का नंबर भी हम लगा देंगे इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे, तो आप इनके साथ रابطہ भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नंबर एक दफ़ा बोल देना, नंबर आप जो है कि हमें बता दें, 0349 87 39 446। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमने नंबर भी दे दिया है, और अगर इनके साथ आप डील करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपका मुकद्दर है। अभी जैसे कोई बकरी आकर बच्चा, कोई बकरी, कोई बकरी ज़्यादा बड़ी बकरी, कोई पाठ वगैरह आपके मुकद्दर में हुई, अगर आपके साथ सौदा बनता है तो आप इनके साथ आके ले जाइए। शालकोट का इलाका है, और शालकोट के ज़्यादातर सूट करेंगे क्योंकि लॉकडाउन का मसला है, तो शालकोट के जो आसपास के लोग हैं जो आसानी से आ जाएंगे तो इनके साथ बात कर लें, लोकेशन और जो है वो पक्की कर लें आप, अगर आप आ सकते हैं तो आप आके जानवर ले जाएँ, ठीक है जी। तो तैयब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।